का शुरुआत भी हम दिन प्रज्वलन से करेंगे, जिसके लिए मैं प्राचार्य महोदय जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और दिन प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत करें। जोरदार तालियों से सभी स्वागत। मैं अपने प्राचार्य महोदय जी के साथ अपने समस्त स्टाफ पर से भी विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे भी आए और दिन प्रज्वलन में हिस्सा लें। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे प्रसिद्ध मम है। आप सभी जानते हैं कि किस प्रतियोगिता में विजेता रही है। भाषण प्रतियोगिता अर्थात वाणी का ही कला है, ठीक है। अतः सरस्वती माता सदैव आप सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे। सब एक दूसरे के सहयोग के साथ एक दूसरे कार्यक्रम में एक दूसरे गतिविधियों में क्या करें, हमेशा पार्टिसिपेट करते रहें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। हमारे कॉलेज और अपने जीवन के पद पर अग्रसर रहें। समारोह में दीप प्रज्वलन के बाद आगे मैं एक कार्यक्रम को बढ़ाना चाहूंगी और सर को बिना आराम देते हुए मुझे खेद है कि मैं उन्हें आराम नहीं दे रही हूँ। इसके साथ मैं अपने आदरणीय प्राचार्य महोदय जी से अनुरोध करूँगी कि वे इस सम्मान समारोह के उद्बोधन के लिए मंच पर आएं और कार्यक्रम को गौरवान्वित करें। विश्वविद्यालय के लोग आ रहे थे, मैंने उनको उठते सबसे पहले प्रार्थना किया
विश्वविद्यालय में जहाँ की कुल लगभग 96 कॉलेज हैं, 96 महाविद्यालयों में एक विद्यालय का नाम आना अपने आप में बड़े गौरव की बात है। और हमारे संचालक महोदय को धन्यवाद, हमारे प्रबंधन समिति को धन्यवाद जिन्होंने हमारी हर एक बात को मानते हुए आपको आगे बढ़ाया। आपको आगे बढ़ने के लिए हमने जो भी चिट्ठियाँ लिखी, जो भी अनुमति मांगा वो सहज स्वीकार करते गए कि आप बच्चों को आगे भेज सकते हैं, चाहे नृत्य के लिए जो भी खर्चा उन्होंने स्वीकार किया और आगे भेजा। जब कल रिजल्ट आया, दिवस में आप फोन आया, मैं बड़ा एक्साइटेड था कब होना है, कब होगी घंटी बजेगी और कब रिजल्ट आया। दिवस ने फोन किया और बताया, बड़ी खुशी हुई। मैं तुरंत अपने संचालक को फोन किया, उनको दूसरा मिला है काफी काफी खुश थे। और मैंने कहा सुबह ग्रुप जो बना हुआ था ग्रुप जो बिजली का उसमें तमाम बधाइयाँ से जुड़ गई। तो इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे महाविद्यालय का कम से कम एक छात्र विश्वविद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं। वो तीसरा नहीं अपितु वो दूसरा स्थान है। आपको तो शायद याद नहीं होगा भाषण प्रतियोगिता में दूसरे और तीसरे स्थान का जो स्कोर है टाई हो गया था। दूसरे प्रतिभागी और तीसरे प्रतिभागी के लिए दोनों का स्कोर समान था। इस समान स्कोर होने के कारण उनको या तो टॉस करना था या पुरानी प्रस्तुति के हिसाब से उनको निर्णय लेना था। प्री परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारे राजवीर जिले से तीन छात्र भाषण प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय और तृतीय के रूप में चुनकर गए हुए थे, जिसमें हमारे बीए अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भारत भूषण प्रथम स्थान प्राप्त किए थे हमारे जिले से। और जहाँ रायगढ़ जिले से जैसे भी तीन विद्यार्थी गए थे, तो जो ट्राई होने वाले विद्यार्थी है उसमें भारत भूषण और वहाँ से तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले पलायन अग्रवाल, इन दोनों का मैच नहीं हुआ था। चूंकि हर जिले के लोग अपने विद्यार्थियों को अपना मानते हैं, उन्होंने अपना मन निकालते हुए पायल भारद्वाज को एक बोनस मांग देके, सॉरी पायल अग्रवाल को एक बोनस मांग देके विजेता घोषित करते हैं, दूसरा स्थान देते हैं। जिसकी सूचना मैंने आला अधिकारियों को दे दी है, कार्यक्रम प्रबंधकों को मैंने दे दी है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है इसकी जाँच होगी और इसका परिणाम पूर्व प्रस्तुति के आधार पर किया जाएगा। यानी कि पूर्व प्रस्तुति में हमारे विद्यार्थी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था अपने जिले से और पायल अग्रवाल ने अपने जिले से तीसरा स्थान प्राप्त किया था, तो अगर इस आधार पर निर्णय आता है तो निश्चित रूप से भारत भूषण को दूसरा स्थान प्राप्त होगा। निर्णय चाहे भारत भूषण दूसरा स्थान प्राप्त करे तीसरा तो बनता ही है, निश्चित तरह से कोई डाउट की बात नहीं है। तीसरा लिया गया मैं बेहद खुश हूँ, अगर दूसरा स्थान आता तो उससे भी खुशी होगी। लेकिन आपने हमारे महाविद्यालय का परचम अपने विश्वविद्यालय में लहराया है, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइया साधुवाद आपको। इसी कार्यक्रम की कड़ी में मैं चाहता हूँ कि भारत भूषण देशवाल स्टेज पर आए और आपके लिए जो सम्मान समारोह रखा गया है उसे स्वीकार करें। एक बार जोर से तालियों का स्वागत करें। जहाँ डिमोटिवेट हुआ हूँ वहाँ मुझे मेरे पूरे स्टाफ के
मेरे प्रिंसिपल सर हमेशा मेरे साथ खड़े हुए हैं। इससे पहले मैं वहाँ कई बार जाके आया हूँ जहांगीर, उस समय भी मेरे जितने मेंटर थे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जहांगीर में जो हुआ उसके बाद से मुझे और ज़्यादा याद हुआ और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि जहांगीर में मुझे कोई भी स्थान नहीं दिया गया था ज्ञान कॉलेज में। तो मेरे मन में वो खटक रहा था कि मैं एक बार जरूर जाऊँगा फिर से जहांगीर और कुछ ना कुछ करके आऊँगा जिससे उनको लगना चाहिए कि हमने उनके साथ गलत किया। और आज मैं जहांगीर गया और वहाँ फर्स्ट आ गया, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी थी। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं अपने कॉलेज के प्राचार्य श्री डॉक्टर विनय प्रताप सर को देना चाहूँगा कि वे जो है हमें अवसर पे अवसर देते हैं। बाकी कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, बाकी कॉलेज में मैं देख रहा हूँ कि जिस स्तर का अवसर हमें प्रदान किया जाता है हमारे कॉलेज में प्रत्येक विधा में, ऐसे विधा में बाकी कॉलेज में हमें अवसर प्रदान नहीं किए जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पुनः आप सभी का। थैंक यू। और जो आज सम्मान भारत प्रसन्न का हुआ है वो सम्मान आप सभी पा सकते हैं। हम हर एक्टिविटी को, हर कार्यक्रम को, हर स्तर तक आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हर एक्टिविटी में भाग लीजिए, अपने आप को साबित कीजिए और इस स्टेज पर आप भी पहुंच सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब अगला चेहरा आपका होगा इस स्टेज पर। आने वाले जो गतिविधियाँ हैं नवंबर में और जनवरी में, उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और इन गतिविधियों में भाग लेकर अपने आप को साबित करिए। हमें महसूस होता है कि हम ये नहीं कर सकते। मैं कुछ कार्यक्रम की बात करता हूँ तो कुछ बच्चों का फोन आता है, सर क्या इसमें हमको भाग लेना अनिवार्य है? अगर मैं अनिवार्य कहता हूँ तो कुछ लोग पूरे दिल और पूरे जोश के साथ भाग लेते हैं और कुछ लोग केवल मजबूरी बस भाग लेते हैं। भाई हमको तो पार्टिसिपेट करना है ना, अपना 100% लगाइए। नहीं जी तो कुछ ना कुछ सीख के जरूर आएंगे। सम्मान समारोह की इस कड़ी में मैं भाषण प्रतियोगिता के मेंटर विमल किशोर रंजना जी का आमंत्रण करना चाहता हूँ कि वे आए और अपना सम्मान स्वीकार करें। माननीय विमल किशोर रंजना जी और उनके सम्मान के लिए हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ हमारे बड़े भैया कृष्ण भैया को मैं आमंत्रण करता हूँ कि वो आए और साल और सफल मेंटर से इतना सम्मान करें। आपसी संबंधों के लिए काफी प्रसिद्ध हैं हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं कर्मचारी वर्ग सभी आपस में एक दूसरे से बंधु बांधव का व्यवहार करते हैं। हमारे युवा और पुलिस जवान मेडिकल अग्रसर रहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी मिली सर कि आप जैसे महाविद्यालय में आकर आपने
देता है। बस यही उम्मीद के साथ है कि आगामी आगे भी आपका साथ और सपोर्ट, प्यार और आशीर्वाद हम सभी शिक्षा के छात्रों छात्र छात्राओं को भले ही बताए हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक बार जोड़ा।